नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 12 का एक टॉपिक, समावेशित गोलीय कोष के कारण से विद्युत विभव। हम एक आवेशित खोखला गोला ले रहे हैं, गोलीय कोष ले रहे हैं, इसके स्थान पर गोलीय खोल भी वर्ड आ सकता है, और उसकी वजह से हम विद्युत विभव देखेंगे। देखिए विद्यार्थियों, गोलीय चालक के कारण से जो विद्युत विभव का व्यंजक हम फाइंड आउट करते हैं, उसका तरीका भी यही है। तो आपके पास में यदि कोई हेडिंग हो कि गोलीय कोष के कारण से विद्युत विभव, गोलीय खोल के कारण से विद्युत विभव, या यहाँ पर आ जाए खोखले गोले के कारण से विद्युत विभव, और या आ जाए चालक गोले के कारण से। चालक गोला ठोस भी हो सकता है, खोखला भी हो सकता है, पर सभी जो गोले होंगे वो आवेशित होंगे और उनकी वजह से हम विद्युत विभव देखेंगे। देखिए विद्यार्थियों, ये जो गोले हैं इसमें एक कुचालक समावेशित गोला हमने नहीं लिया है। समावेशित कुचालक गोले के कारण से जो विद्युत विभव है उसका व्यंजक हम अगले वीडियो में देखेंगे। यहां पर आप देख रहे हैं गोला है, खोखला गोला ले सकते हैं, खोखला कुचालक गोला हो सकता है, या आप ले सकते हैं चालक गोला। ये चालक वाला खोखला भी हो सकता है, ठोस चालक गोला भी हो सकता है। यदि इनको आवेशित किया जाए तो उसकी वजह से विद्युत विभव का व्यंजक आप इस वीडियो में देखेंगे। देखिए विद्यार्थियों, हमने इनके कारण से गोले के बाहर पृष्ठ पर और अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के व्यंजक देखे हैं, और उन्हीं तीव्रताओं के व्यंजक को यहां पर अप्लाई करते हुए हम विद्युत विभव का व्यंजक फाइंड आउट करेंगे। देखिए सर्वप्रथम हम बात करेंगे गोले के बाहर। मैं यहां पर ए पार्ट ले रहा हूं। गोले के बाहर जो विद्युत विभव है वो कितना होगा? गोले के बाहर, गोले के बाहर के लिए मैं स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर कर देता हूं। गोले की जो रेडियस है वो हम लेकर चल रहे हैं कैपिटल आर, और स्मॉल आर दूरी पर बिंदु पी स्थित है जिस पर हमारे को विद्युत विभव ज्ञात करना है। अभी डायग्राम से आप इसको समझेंगे अच्छे से। ये हमने एक गोला लिया है, और ये जो गोला है इसकी रेडियस है कैपिटल आर। गोले की रेडियस कैपिटल आर है, इसका केंद्र ओ है, और गोले को हमने एक समान रूप से आवेशित किया है। गोले के केंद्र ओ से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी स्थित है जिस पर हमारे को विद्युत विभव ज्ञात करना है। एक बार फिर से सुन लेंगे। हमारे पास में कैपिटल आर त्रिज्या का एक खोखला गोला है, या चालक गोला भी हो सकता है, क्योंकि चालक को दिया गया आवेश, संपूर्ण आवेश उसके पृष्ठ पर आ जाता है, तो जो आवेश है वो उसके पृष्ठ पर ही विद्यमान होता है, और जिसकी वजह से वो एक गोलीय कोष या खोखले गोले के रूप खोखले गोले के रूप में ही व्यवहार करता है। आवेश उसका खोखले गोले पर जैसे मौजूद हो वैसे ही वो व्यवहार करेगा। तो विद्यार्थी, यहां पर आवेश है वो गोलीय कोष है, उसके पृष्ठ पर मौजूद है, और उसके केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर बिंदु पी स्थित है जिस पर हमारे को विद्युत विभव ज्ञात करना है। इसके लिए देखिए विद्यार्थी, हम एक फॉर्मूला जानते हैं और उस फॉर्मूले को यहां पर हम अप्लाई करेंगे। हम जानते हैं ये जो फॉर्मूला है वो विद्यार्थियों हमने पीछे के वीडियो में देखा है, विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, उसमें ये भी है जो रिलेशन है वो हमने फाइंड आउट किया है। रिलेशन क्या है? वी इज इक्वल टू माइनस में अनंत से लेकर आर तक इंटीग्रेट करेंगे ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। देखिए विद्यार्थियों, ये हमारे पास में विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच में जो संबंध होता है वो है। और यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गोले के बाहर किसी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है वो हमने देखा है, निकाला है पहले। देखिए क्या थी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गोले के बाहर। यहां पर हम देख रहे हैं गोले के बाहर विद्युत विभव और गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहां पर हम पुट करेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हमने निकाला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R² और सदिश के रूप में लिखें तो इधर R के पा जाएगा,
समीकरण दो को हम समीकरण एक में पुट कर देंगे, समीकरण दो को समीकरण एक में रखने पर, जब हम एक में इसको रखेंगे इसकी वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे तो हमारे पास में क्या आएगा विद्यार्थियों, v इज इक्वल टू माइनस का साइन यहां पर पहले से ही पड़ा है, e की वैल्यू उठाकर यहां पर पुट कर देंगे, अनंत से r तक 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई आर स्क्वेयर आर के डॉट डी आर वेक्टर। यहां पर देखिए विद्यार्थियों ये दो सदिशों का अदिश गुणनफल है, ये एकांक सदिश है, ये विस्थापन सदिश है, और यहां पर इन दोनों के बीच में डॉट लगा हुआ है जो कि अदिश गुणा को बता रहा है। इन दोनों का जो अदिश गुणा है उसमें ये फॉर्मूला हम यहां पर लगा देंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है ए बी कॉस थीटा, जहां ये जो थीटा है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल होता है। तो यहां पर भी हम इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो जीरो होता है और कॉस जीरो कर देंगे, कॉस जीरो की जो वैल्यू है वो विद्यार्थियों एक होती है। तो हमने यहां पर इस डॉट को हटाया है और आर कैप का मोड, यहां पर ए सदिश का मोड आता तो आर कैप का मोड एक हो जाएगा और डी आर कॉस जीरो आएगा, कॉस जीरो की वैल्यू वन हो जाएगी। जो कांस्टेंट राशियां हैं उनको हम इंटीग्रेशन से बाहर पुट कर लेंगे। यहां पर आप देखेंगे विद्यार्थी जो इंटीग्रेशन हो रहा है वो आर के रेस्पेक्ट हो रहा है, तो आर की टर्म्स के अलावा बाकी जो भी टर्म्स है वो यहां पर कांस्टेंट की भांति काम करेगी और उन सभी को हम इंटीग्रेशन से बाहर पुट कर देंगे। तो क्यू बाहर आ गया, फोर पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, ये एक नेगेटिव साइन पढ़ाई है, इंटीग्रेशन है अनंत से लेकर आर तक हो रहा है, कोस जीरो की वैल्यू हो जाएगी विद्यार्थियों वन, तो यहां पर वन बाई आर स्क्वेयर डी आर आ गया है। देखिए वन बाई आर स्क्वेयर का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, जब हम बिंदु आवेश के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं तो उसमें भी ऐसा ही फॉर्मूला आया था, यहां पर भी हम उसको अप्लाई करेंगे। तो देखिए विद्यार्थियों इसको हम ऐसे पुट कर सकते हैं, अनंत से लेकर r तक r की घात माइनस दो डी आर। अब मैं आप लोगों को फॉर्मूला बता रहा हूं जो यहां पर अप्लाई होने वाला है, x की घात n का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है x की घात n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस में c, ये वाला फॉर्मूला हम यहां पर अप्लाई करेंगे इस वाले फॉर्मूले में। यहां पर आप देखेंगे अक्ष के स्थान पर है r, n के स्थान पर है माइनस दो, तो यहां पर आ जाएगा r की घात माइनस दो प्लस एक अपॉन में माइनस दो प्लस एक, प्लस में c यहां पर आएगा नहीं क्योंकि यहां पर ये जो समाकलन हो रहा है वो निश्चित समाकलन हो रहा है और जब निश्चित समाकलन होता है तो समाकलन नियतांक नहीं आता है। तो देखिए विद्यार्थी यहां से जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा आप लोगों के पास में, v इज इक्वल टू आपके पास में आएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो एज इट इज पड़ा है, एक नेगेटिव का साइन भी यहां पर पड़ा है। यहां से आप देखेंगे r की घात माइनस दो प्लस एक अपॉन माइनस दो प्लस एक और हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया है। अब इसकी लिमिट पुट करेंगे अनंत से r तक, लोअर लिमिट है इसकी अनंत और अपर लिमिट है स्मॉल r। यहां से आप देखेंगे माइनस क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर की पावर माइनस एक रह गई अपॉन में माइनस एक रह गया, यहां पर आप देखेंगे माइनस एक और यहां पर ये वाला जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट रह जाएगा और विद्यार्थी इसको जब हम आर की घात माइनस एक को बट्टे में ले जाएंगे तो प्लस एक हो जाएगी। अब हम लिमिट पुट करेंगे विद्यार्थियों, यहां पर r के स्थान पर पहले अपर लिमिट पुट करेंगे फिर माइनस का साइन लगाकर लोअर लिमिट पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, r के स्थान पर हम अपर लिमिट पुट करेंगे तो r के स्थान पर r आ गया, फिर माइनस का साइन लगाकर r के स्थान पर लोअर लिमिट पुट करेंगे, r के स्थान पर माइनस का साइन लगाकर इन्फिनाइट पुट करेंगे तो इन्फिनिटी की जो वैल्यू होती है वो शून्य, एक बट्टा इन्फिनिटी शून्य होता है, यदि हम एक के अंदर अनंत का भाग लगाएंगे तो वो शून्य होगा। तो हमारे पास में जो v की वैल्यू है वो यहां से निकल कर आएगी
वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, क्यू बाई आर रह गया, ये जीरो हो ही गया है। ये हमारे पास में विद्यार्थी व्यंजक आ गया है, फॉर्मूला आ गया है, किसी बिंदु गोलीय कोष के कारण से या चालक गोले के कारण से यदि वो आवेशित है तो उसके बाहर जो विद्युत विभव उसका व्यंजक V इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर के इक्वल। देखिए विद्यार्थी यहां से स्पष्ट हो रहा है कि जो विद्युत विभव है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है विद्युत विभव। तो ये था गोले के बाहर विद्युत विभव। और विद्यार्थियों अब हम देखेंगे इसका बी पार्ट, गोले के पृष्ठ पर विद्युत विभव की वैल्यू कितनी होगी। तो यहां पर हम बी पार्ट देख रहे हैं, गोले के पृष्ठ पर विद्युत विभव फाइंड आउट करने के लिए हम इक्वेशन नंबर जो 3 हमने दी है उसमें स्मॉल आर के स्थान पर हम कैपिटल आर पुट कर देंगे। ये हमारे पास में गोला है और इसे गोले के पृष्ठ पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। ये हमने गोला लिया है और इसकी रेडियस कैपिटल आर है और इसके केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर इसके पृष्ठ पर ही बिंदु पी स्थित है जिस पर हमारे को विद्युत विभव ज्ञात करना है। हमारे पास में जो इक्वेशन नंबर 3 है क्या है, गोले के बाहर जो विद्युत विभव का फॉर्मूला था वो ये था क्यू बाई स्मॉल आर, जो हमने अभी इक्वेशन नंबर 3 पढ़ी है। समीकरण 3 में स्मॉल आर के स्थान पर कैपिटल आर पुट कर देंगे, समीकरण 3 में स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर रखने पर, स्मॉल आर के स्थान पर हम कैपिटल आर पुट कर देंगे तो वी इज इक्वल टू आपके पास में आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू बाई कैपिटल आर। ये हमारे पास में फॉर्मूला आ गया है विद्यार्थियों, किसी गोलीय कोष, खोखले गोले, चालक गोले, इन सब के पृष्ठ पर यदि आवेश मौजूद है तो उसके पृष्ठ पर विद्युत विभव का व्यंजक। अब हम बात करेंगे इसका जो तीसरा पार्ट है, गोले के अंदर विद्युत विभव कितना होता है। देखिए विद्यार्थियों जो सी पार्ट है वो है गोले के अंदर विद्युत विभव, गोले के अंदर विद्युत विभव जब लेंगे हम स्मॉल आर लेस देन हो जाएगा कैपिटल आर के। और यहां से आप देखेंगे विद्यार्थियों गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, चालक गोला हो, खोखला गोला हो, गोलीय कोष हो, अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। हम ये पहले से ही जानते हैं कि अंदर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो शून्य होती है। अब देखेंगे आप विद्यार्थियों गोले के अंदर, मैं एक बार डायग्राम का निर्माण कर रहा हूं, गोले के अंदर हम विद्युत विभव फाइंड आउट करेंगे। यहां से ये आपके पास में आवेशित गोला है और ये इसकी रेडियस है कैपिटल आर, उसके गोले के केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर ये बिंदु पी स्थित है जिस पर हमारे को विद्युत विभव ज्ञात करना है, जो कि गोले के अंदर स्थित है। ये एक टेनिस बॉल की भांति गोला है, खोखला गोला है, आवेश उसके पृष्ठ पर मौजूद है, अंदर की ओर बिंदु P मौजूद है जिस पर हमारे को विद्युत विभव फाइंड आउट करना है। बिंदु P पर विद्युत विभव फाइंड आउट करने के लिए देखिए विद्यार्थियों हमारे पास में जो फॉर्मूला है, जो हम फॉर्मूला जानते हैं विद्युत विभव ज्ञात करने का, वो जानते हैं V इज इक्वल टू होता है माइनस में अनंत से R तक E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, ये जानते हैं हम। देखिए विद्यार्थियों यहां पर ये इसका अर्थ ये है कि आप एक आवेश ला रहे हैं अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक R दूरी तक, और उसको लाने में जो किया गया कार्य होता है उसको हमने विद्युत विभव कहा था, उसी फॉर्मूले से ये फॉर्मूला आया था। अब हम जो ये इंटीग्रेशन है, हम जो आवेश अनंत से लेकर आते हैं उस इंटीग्रेशन को, अनंत से लेकर आर वाली जो डिस्टेंस है उसको हम दो टुकड़ों में तोड़ देंगे। पहले तो हम अनंत से लेकर कैपिटल आर तक लाएंगे, फिर कैपिटल आर से स्मॉल आर तक ले जाएंगे। तो दो टुकड़ों में इस इंटीग्रेशन को तोड़ देंगे। एक बार समझ लेंगे कि देखिए विद्यार्थी ये यहां से मैं इस वाले बिंदु को एक बार पी कह देता हूं, यहां पर बिंदु पी कह देता हूं मैं, ताकि आपको बेटर तरीके से समझ में आ जाए। यहां पर हमारे को विद्युत विभव ज्ञात करना है, हम आवेश ले रहे हैं और उसको अनंत से बिंदु पी तक ला रहे हैं। तो देखो अनंत से यहां तक तो जो दूरी होगी वो कैपिटल आर,
फिर कैपिटल आर से हम ले जाएंगे स्मॉल आर दूरी तक। तो ये जो अनंत से स्मॉल आर दूरी तक ला रहे हैं आवेश को, उसको हमने दो टुकड़ों में तोड़ दिया। अनंत से पहले ले आए कैपिटल आर तक, फिर कैपिटल आर से स्मॉल आर तक ले जाएंगे। तो हमने इस इंटीग्रेशन को दो टुकड़ों में तोड़ा है। देखिए किस प्रकार से लिख सकते हैं, माइनस अनंत से लेकर पहले हम लाए कैपिटल आर तक ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, फिर प्लस में फिर हम ले गए इसको कैपिटल आर से स्मॉल आर तक। यहां पर भी विद्यार्थी नेगेटिव साइन ही आएगा, ये बाहर की ओर ही पड़ा है, हमने इंटीग्रेशन को तोड़ा है सिर्फ। अब देखिए विद्यार्थी, जब अनंत से कैपिटल आर तक लाते हैं तब हमने विद्युत विभव पहले ही फाइंड आउट कर रखा है। यहां पर अनंत से जब पृष्ठ पर लाते कैपिटल आर दूरी तक लाते हैं तब विद्युत विभव की वैल्यू ये होती है। तो इसका जो मान है विद्यार्थी ये वाला आएगा। और यहां पर जो कैपिटल आर से स्मॉल आर तक ले जाएंगे, कैपिटल आर से स्मॉल आर तक जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर वाली काउंट होगी, और अंदर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो शून्य होती है। तो एक बार देखेंगे इसको विद्यार्थियों, यहां पर तो मैं इस वाली जो वैल्यू है इसका अर्थ तो यह है कि आवेश को आप अनंत से कैपिटल आर दूरी तक ला रहे हैं, तो लाने में जो कार्य है वो इतना करना पड़ रहा है, और ये हमने पहले ही फाइंड आउट कर रखा है। तो 1/4 पाई ε₀ Q/R आ जाएगा। और यहां पर आप देखेंगे कैपिटल आर से जब स्मॉल आर दूरी तक ले जाएंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जीरो होगी, और जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जीरो होगी तब यहां पर इसकी जो विद्यार्थियों, हमने इसको दो टुकड़ों में तोड़ा है, अनंत से लेकर आर तक जिसकी वैल्यू है 1/4 πε₀ Q/R, और कैपिटल आर से स्मॉल आर तक जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो शून्य होती है, इसकी वजह से ये सब सारा का सारा पद है वो शून्य हो जाएगा। हमारे पास में जो विद्युत विभव है उसकी वैल्यू आएगी 1/4 πε₀ Q/R आएगी। और ये जो विद्युत विभव की वैल्यू हमारे को प्राप्त हुई है इक्वेशन नंबर 5 में, वो पृष्ठ पर जो विद्युत विभव होता है उसके समतुल्य प्राप्त हुई है, इक्वल प्राप्त हुई है। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी चालक गोले या खोखले गोले को यदि आवेश दिया जाए तो अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य उत्पन्न होती है, लेकिन विद्युत विभव उतना ही होता है जितना कि उसके पृष्ठ पर उत्पन्न होता है। विद्यार्थियों यहां पर हम विद्युत विभव का दूरी के साथ में परिवर्तन देखेंगे। ग्राफ हम यहां पर देख रहे हैं विद्युत विभव और आर के बीच में, एक तरफ मैं ले रहा हूं विद्यार्थियों विद्युत विभव, दूसरी तरफ ले रहा हूं मैं दूरी, और दूरी के साथ में जो विभव है विद्युत विभव V वो किस तरीके से बदलता है वो देखेंगे। यहाँ जैसे केंद्र पर यहाँ मौजूद है, और केंद्र से जैसे हम कैपिटल आर दूरी तक चले तो विद्युत विभव का मान जितना उसके पृष्ठ पर रहता है उतना का उतना ही रहेगा, और जैसे ही हम पृष्ठ पर पहुँचेंगे उसके पश्चात जो विद्युत विभव है दूरी के व्युत्क्रमानुपाती रूप से इस तरीके से डिक्रीज होगा। यहाँ पर जो विद्युत विभव की वैल्यू है वो V की वैल्यू है K Q/R, यहाँ तक वैल्यू अंदर विद्युत विभव का मान समान रहता है, और जैसे ही हम गोले के पृष्ठ के बाहर निकलेंगे जो विद्युत विभव है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए विद्यार्थी इस तरीके से वो डिक्रीज होती, विद्युत विभव का मान कम होता चला जाएगा। ये हमने इस वीडियो में देखा कि एक गोलीय कोष के कारण, चालक गोले के कारण से गोले के पृष्ठ पर, गोले के अंदर और बाहर विद्युत विभव कितना होता है। इसके साथ में हम विद्युत विभव का दूरी के साथ में परिवर्तन देखा, ग्राफ देखा। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा विद्यार्थियों। इसके बाद में जो वीडियो आएगा वो हम देखेंगे कि एक कुचालक गोले के कारण से उसके बाहर, उस गोले के पृष्ठ पर, अंदर विद्युत विभव कितना होता है।